नमस्ते। देश भर के हजारों स्थान पर जुड़े हुए भाजपा के मेरे सभी साथियों नमस्ते। शुरुआत में ही मेरे साथ जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को नमस्कार। इस समय देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया, अब सो जाओ, यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम है, और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें, देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत का युवा आज उत्साह में है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं में कुछ कर गुजरने का नया विश्वास पैदा हुआ है।
देश के किसान से लेकर देश के जवान तक हर किसी को ये विश्वास मिला है कि नामुमकिन अब मुमकिन है। साथियों, यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। मैं देश के लिए और क्या करूं, कैसे करूं, कहां कहां करूं, इस प्रकार की भावना आज चरम पर है। एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती। कुछ कर गुजरने की चाह खुद पर और सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सके। आप सभी बूथ के सिपाहियों का रोल यहीं से ज्यादा शुरू होता है। आपकी ही ताकत से नए भारत का संकल्प सिद्ध होने वाला है और इसके लिए आप व्यापक स्तर पर संवाद कर रहे हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। साथियों, अब अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा, क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है। अगर आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के लोगों का दिल जीत लिया, तो संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे अच्छा लगा, और आप अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके आज मेरे से बात कर रहे हैं, और शायद ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इतनी बड़ा विस्तार से बात, ये भी शायद एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, श्री अमित भाई शाह का, उनकी पूरी टीम का, और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रचना की, योजना की, और करीब करीब महीने पहले से आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे थे, तो मैं आपकी इस मेहनत को अभिनंदन करता हूं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, त्रिपुरा चलते हैं, अगरतला। और अगरतला ने तो नया इतिहास रचा है, हम सब मालूम है, त्रिपुरा ने नया इतिहास रचा है। मुझे बताया गया है कि हमारे मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी भी वहां मौजूद है। आइए, कौन बात करेगा? हाँ बताइए। आदरणीय मोदी जी, आपको हम दिल से प्रणाम करते हैं। नमस्ते। मैं अगरतला चार बरजला मंडल महिला मोर्चा की संपादिका रजनी बीन हूँ।
मेरे और हमारे पूरा त्रिपुरा वासियों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आदरणीय मोदी जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे त्रिपुरा वासियों के लिए इतना सोचते हैं, जो आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इतना ना सोचा हो। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अब जब चुनाव 2 महीने से कम समय रह चुका है तो हमारा उत्साह काफी बढ़ा हुआ है, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए? रजनी जी, आपका धन्यवाद। त्रिपुरा में की जनता त्रिपुरा को आगे निकले ले, हाँ बैठिए रजनी जी। त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, एक मुक्ति का आनंद ले रही है और वहाँ सरकार भी जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है, और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूँ, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूँ जरूर रखता रहूँगा, लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, आपका ये प्रश्न वास्तव में पूरे भाजपा परिवार का उत्साह बढ़ाने वाला है। दरअसल आने वाले 2 महीने में पूरे विश्व की नज़र भारत की ओर लगी रहेगी। लोकतंत्र का महोत्सव चुनाव अपने रंग में दिखेगा। ऐसे में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के नाते भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं का दायित्व भी कहीं अधिक बड़ा है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जन सामान्य को लाभ पहुंचाने वाले जितने फैसले लिए उतने आज तक किसी ने नहीं लिए। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि विकास के इन कार्यों की जानकारी जनता के पास घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के उसे ठीक से हम पहुंचाए। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें उन लाभार्थियों से मिलना चाहिए जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, लाभार्थियों से मिलना यह अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव है। आजकल मैं जहां भी कार्यक्रम के लिए जाता हूं, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनके जीवन की घटनाएं सुनता हूं। साथियों, ये अनुभव मुझे भी हृदय को छू जाता है और मुझे काम करने का और आनंद बढ़ जाता है मेरा। आप भी करके देखिए, आपको गर्व होगा कि कैसे अपनी सरकार लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। आपका देश पर विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, नामुमकिन अब मुमकिन है। आपका काम करने की प्रेरणा और संकल्प और मजबूत होंगे कि हाँ, इस प्रगति की यात्रा को रुकने नहीं देना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकार के परिश्रम और आपकी सहभागिता का ही प्रतिफल है कि हम करोड़ों गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, दलितों, वंचितों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल रहे हैं। भाजपा परिवार ने इसे कमल ज्योति संकल्प अभियान के तहत एक उत्सव के रूप में मनाया। कार्यकर्ता लोगों की खुशी में शामिल हुए और घर घर कमल दीपक प्रज्वलित किए। पार्टी इसके अलावा का कई दूसरे कार्यक्रम भी चला रही है। कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि इसे जोर शोर से जन जन तक पहुंचाए। भारत के मन की बात, इसके तहत प्रत्येक देशवासी अपने मन की बात सीधे मुझ तक पहुंचा सकता है। आप सुनिश्चित करें कि आपके बूथ में से ज्यादा लोग अपने सुझाव दें। इससे हमारा 2019 का जो संकल्प पत्र होगा
वो सही माने में करोड़ों देशवासियों का, जनता का संकल्प पत्र बन जाएगा। इसके अलावा मेरा परिवार भाजपा परिवार, इसके तहत भी आप अपने घर या दफ्तर में पार्टी का झंडा लगाएं, या दुकान होगी, जो भी हो, आप ऑटो रिक्शा चलाते हो ऑटो रिक्शा पर लगाइए, आप स्कूटर लेके जाते हैं स्कूटर पर आपका झंडा होना ही चाहिए और आपसे ऊंचा आपका झंडा होना चाहिए। घर घर जाकर के संपर्क करें, भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करें, नए नए लोगों को जोड़े। समाज का कोई वर्ग, समाज का कोई तबका छूटना नहीं चाहिए। गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, अच्छी आर्थिक स्थिति वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी गुजारता हो, खेत मजदूर हो, मजदूर, हर किसी को जोड़ना है। इस प्रकार 2 मार्च को, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक साथ विजय संकल्प बाइक रैली का भी आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े शान से करें। बाइक रैली का अपना एक अलग ही प्रभाव होता है, युवा साथियों को इसमें पूरे उत्साह से भाग लेना है। आज जब हम न्यू इंडिया और 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने बूथ के सभी फर्स्ट टाइम वोटर के से संपर्क करें। साथियों, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता और विपक्ष के बीच स्वस्थ स्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और इसका पहला पाठ हम अपने पार्टी के भीतर ही सीखते हैं। ऐसे में सभी बूथ और कार्यकर्ताओं के बीच भी एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए और यह स्पर्धा होनी चाहिए कि कौन कितने युवा वोटर अपने साथ जोड़ सकता है, कौन कितनी महिला वोटर अपने बूथ तक ले जा सकता है, कौन कितने परिवारों का संपर्क करता है, कौन कितने लाभार्थियों के साथ बैठ करके बात करता है, कौन इसकी वीडियो निकाल करके प्रचारित करता है। आज मैं हर बूथ कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी देता हूं, आप ये तय कर लें। और मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर बूथ का कार्यकर्ता कम से कम 10 परिवारों के साथ चुनाव तक घनिष्ठ संबंध बनाएगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 10-10 परिवार को लेकर बैठ जाए बूथ में, आप कल्पना कर सकते हैं उस बूथ की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, उन तक सरकार द्वारा किए गए कामकाज की सही और नियमित जानकारी पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता संकल्प लें कि मेरे बूथ में सबसे ज्यादा लोग नमो ऐप को डाउनलोड करेंगे। इतना ही नहीं, रोज नमो ऐप पर आधा घंटा देंगे, नमो ऐप में क्या क्या है वो देखेंगे और उसमें से जो बातें हैं वो आगे पहुंचाएंगे। नमो ऐप के माध्यम से वो वॉलेंटियरिंग करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, पॉजिटिव चीजों को रोज शेयर करेंगे, डोनेशन देंगे, सुझाव देंगे। आज जब हम इतना अधिक मात्रा में काम कर पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद, जिनके समर्थन से 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते मजबूत सरकार से भागते हैं, मजबूत सरकार का नाम सुनते ही डरते हैं, और इतना ही नहीं, वो तो तत्वज्ञान भी परोसते हैं कि सरकार कभी मजबूत होनी ही नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी दुनिया चलती रहे। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो लोगों को समझाएं कि जब मजबूत सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फायदा होता है। चलिए,
मुझे अच्छा लगा रजनी जी के सवाल पर त्रिपुरा से माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिला। आइए हम हापुर चलते हैं, यहाँ हापुर में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हापुर नमस्ते। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार, प्रणाम करता हूं। और हाँ बताइए, मान्यवर आपने जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य करिए हैं, मैं आपका उत्तर प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे विश्वास कर चाहता हूं कि आपका हाथ हमारे हाथ सर पर ऐसे ही रहे। आपसे मुझे एक प्रश्न चाहिए। 2014 में जो हमने वादे किए थे 2019 में हमने पूरे किए, लेकिन इस आधार पर आप हमें यहाँ से किस दिशा में ले जाएंगे ये जानना चाहता हूँ। हम इस आधार पर और क्या कर रहे हैं, ये मेरे से आपसे प्रश्न है। धन्यवाद महेश जी, बैठिए। देखिए, मैं बात करने से पहले महेश जी आपको ही अपने परिवार की पुरानी चीजों की ओर ले जाता हूँ, आपको पुराने किसे याद करा था। बैठिए आप महेश जी, बैठिए महेश जी, बैठिए। अब आप सोचिए, आपको तुरंत ध्यान में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब पहली बार आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी गई होगी, तब आपको अपने घर में टीवी देखने की कितनी बेचैनी रही होगी। लेकिन जब समय बीतता गया तो फिर आपको कलर टीवी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। ठीक इसी प्रकार का अंतर 2014 और 2019 के कालखंड का है। 2014 से 2019 ये एक प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, लेकिन 2019 से आगे आवश्यकताओं से बात बनने वाली नहीं है। ये समय होगा आकांक्षाओं को पूरा करने का, और मैं इस बात को मानता हूं कि 2014 से 2019 अगर आवश्यकताओं की पूर्ति का काल था, तो 2019 से 2024 आकांक्षाओं की पूर्ति का काल है। 2014 से 2019 बुनियादी जरूरतों को हर घर पहुंचाने का समय था, जबकि 2019 से 2024 आगे तेज उन्नति के लिए उड़ान भरने का अवसर है। 2014 से 2019 का समय फ्रेजाइल फाइव से बाहर निकलने की मशक्कत थी, जबकि 2019 से 24 आगे विश्व की टॉप फाइव अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अवसर है। 2014 से 2019 की ये यात्रा निराशा से आशा, आवश्यकता से आकांक्षा, संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाली है। 2014 से पहले भारत में एक ऐसी सरकार थी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, देश में पॉलिसी पैरालिसिस था। देश को भ्रष्टाचार मुक्त, मजबूत और निर्भीकता से निर्णय लेने वाली सरकार की आवश्यकता थी, और हमने ऐसी सरकार दी है। 2014 से पहले देश का आम आदमी आसमान छूती महंगाई से परेशान था, हमने इससे निजात दिलाने का वादा किया और महंगाई को 2-3% के आसपास ला करके रख दिया। साथियों, हमें इस बात की खुशी है कि 2014 से पहले देश जिन चीजों की आवश्यकताएं महसूस कर रहा था, हमने 125 करोड़ देशवासियों की मदद से उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी मेहनत की है। इसलिए आज जब
जन आकांक्षाओं को देखता हूं तो हमारे काम करने का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि 2014 का चुनाव देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनमत था और 2019 का चुनाव भारत के जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनमत होने वाला है। बीते 5 वर्षों में देश में किस तरह का बदलाव आया है वो हम सबके सामने है। आज हर भारतीय बदलाव महसूस कर रहा है। अब इन 5 सालों में ही जब इतना कुछ हुआ है तो सोचिए अगली बार जब हम देश की सेवा करने का फिर मौका मिलेगा, और मुझे विश्वास है मिलने वाला है, तो हम इस मजबूत इमारत को और कितना आलीशान और कितना भव्य बनाएंगे। साथियों, ये सब तब संभव है जब आज जो विकास की दिशा और रफ्तार है उसको न केवल मेंटेन रखा जाए बल्कि उसको और गति बढ़ाई जाए। आप सबको याद होगा कि अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कई बड़े कार्य किए थे, लेकिन 2004 में वाजपेयी जी की सरकार गई तो सबका सब ठप हो गया, उनकी सारी मेहनत पानी में चली गई, ऊपर से देश को पीछे खींचा गया। फिर से एक बार भ्रष्टाचार जारी रह सके इसलिए आधार को अटकाया गया, कमीशनखोरी के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को अटका दिया गया, राफेल डील को लटकाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की जो गति भारत ने पकड़ी थी वो फिर से अटक गई, आर्थिक सुधार और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की जो गति थी वो भी अटक गई। दूर जाने की जरूरत नहीं है, अरे अभी हाल ही में जिन 3 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई वहां का हाल देख लीजिए। पहले से चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर कैंची चलाई जा रही है, आयुष्मान भारत जैसी योजना को रोक दिया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं उसमें भी अड़ंगा लगाया जा रहा है। कई कांग्रेस शासित राज्यों ने तो अभी तक लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। आज हमारी सरकार सिंचाई से जुड़ी 99 परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है ताकि अन्नदाताओं को पानी की कमी ना हो। कई योजना पूरे होने की कगार पर है, लेकिन अगर 2019 में कोई चूक रह गई तो ये सब चीजें फिर से एक बार गड्ढे में चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने यही हाल करके रखा था। हमारे आने से पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। बीते 5 वर्षों में सरकार की नीतियों से हम 11 से कूद करके 6ठे नंबर पर पहुंच गए, 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हम भारत को जल्द से जल्द 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, लेकिन जरा सी चूक से विकास की ये तेज धारा रुक सकती है। और अटल जी का हमें अनुभव है, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत को 142वें से 77वें स्थान पर पहुंचा दिया है। जरा सी चूक से फिर से ईज ऑफ करप्शन का बोलबाला हो जाएगा। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, सरकारी पैसों की लूट बंद हुई है। देशवासियों के हजारों लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचे हैं। जरा सी चूक हुई तो बिचौलियों की लूट फिर से शुरू हो जाएगी। जरा सी चूक भ्रष्टाचार के महायुग को वापस ला सकती है। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, किसी को देश अभी भूला नहीं है। आइए इस नए विश्वास के साथ नए क्षेत्र की ओर चलते हैं। आइए हम जमशेदपुर चलते हैं।
कौन बात करना चाहेगा? आदरणीय मोदी जी को मेरा नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी, झारखंड जमशेदपुर टेलको महिला मोर्चा की महामंत्री हूं। और मोदी जी, आपका हमेशा ये कहना रहता है, कहते हैं आप कि कांग्रेस जब भी आती है लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है और जातिवाद को बढ़ावा देती है। कांग्रेस के ये दो लक्षण हैं, जबकि भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर कार्य करती है। तो मेरा ये प्रश्न है कि 2019 में लोकतंत्र कैसे जीतेगा? अरे आप तो स्वयं लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो कमल पर बिराजती है। जय लक्ष्मी जी, बैठिए। देखिए, आपका ये सवाल 2019 के चुनाव का मूल मंत्र है। ये चुनाव दो राजनीतिक संस्कृतियों के बीच का है। एक संस्कृति भाजपा की है, जहां हर काम लोकतांत्रिक तरीके से होता है। दूसरी संस्कृति कांग्रेस समेत कई दलों की है, जहां हर काम वंशवाद के आधार पर तय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी विशिष्ट है, इसका अनुभव आप जैसे सभी कार्यकर्ता लगातार करते आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता की संस्कृति एकदम अलग होती है। विनम्रता, सादगी, सरलता और सहजता, इसी ने हमको आज यहां तक पहुंचाया है। यहां किसी भी फैसले का आधार कार्यकर्ताओं का फीडबैक होता है, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है और लोकतांत्रिक तरीके से बात ऊपर आती है। भाजपा कार्यकर्ता जनता जनार्दन के दुख में सुख में हर स्थिति में सहभागी होता है। हमारी पार्टी को असली बल अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है। यहां कार्यकर्ता ही सब कुछ तय करता है, इसलिए मेरा जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करने का अवसर पा सकता है। हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होता है कि एक व्यक्ति या एक परिवार क्या चाहता है, बल्कि हमारे यहां निर्णय इस बात से होते हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। लोकतंत्र हमारी पार्टी के डीएनए में है। यह एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए पार्टी और सरकार दोनों के लिए कार्यकर्ताओं का फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पर सरकारी योजनाओं को जमीन पर साकार करना भी आसान होता है, जिससे मौजूदा कार्यकाल में हम लगातार देखते आए हैं। लोग भी यह जानते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को वे जो प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें वे शीर्ष नेतृत्व तक ले जाकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसा है या आप किसी खास जाति के हैं या फिर किसी बड़ी परिवार से संबंधित है, तो इस बल पर भाजपा में आपके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, बल्कि इस पार्टी के दरवाजे आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और आपकी लगन के बल पर खुलते हैं। भाजपा ने देश को दो प्रधानमंत्री दिए हैं जो किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए। उनके पास कोई बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, फिर भी उन्हें अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर इतने बड़े पद पर पार्टी ने ही बिठाया, पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया और पार्टी खड़ी रही तो जनता के आशीर्वाद भी मिल गए। आज अगर भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन सका है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के भीतर का लोकतंत्र है और अपने कार्यकर्ताओं के इसी सामर्थ्य पर ही
2019 के लोकतंत्र का महापर्व भी भारतीय जनता पार्टी के नाम होने वाला है। मेरा आपसे आग्रह है, भाजपा की संस्कृति, भाजपा की कार्यपद्धति, भाजपा के संगठन का स्वरूप, कार्यकर्ता की भूमिका, यह सब बातें भी लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को भाजपा को करीब से देखने का और काम करने का अवसर दें। और जब जनता भाजपा और बाकी पार्टियों में अंतर समझेगी तो उनके लिए यह निर्णय आसान हो जाएगा कि देश की सेवा का दायित्व किसे दें। चलिए आइए, अब जमशेदपुर से निकल करके हम साउथ की ओर चलते हैं, तमिलनाडु चलते हैं, कोयम्बटूर चलते हैं। आइए, कोयम्बटूर वणक्कम। डियर प्राइम मिनिस्टर जी वणक्कम। वणक्कम वणक्कम। हाँ अरुण, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बैठना है सभी लोगों को। माय नेम इज अरुण मुरुगन, महाशक्ति केंद्र इंचार्ज, कोयम्बतूर सिंगे मंडल। डियर जी, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन जी। How much confident are you about performance in South India? As usual, media is underestimating BJP. Arun Murugan ji, baithiye. Mere liye to shikayat ye hoti hai कि मोदी हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, तो शायद कॉन्फिडेंस ही मेरे स्वभाव का हिस्सा है। देखिए, मीडिया के हमारे मित्रों की एक फिक्स साइकिल है। चुनाव से पहले मीडिया के हमारे मित्र कहते हैं कि भाजपा के लिए यह चुनौती है, लेकिन हमें भी मीडिया को कोसने से ज्यादा इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष में हमारे मित्र भाजपा के बारे में बहुत कुछ फैलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दक्षिण में कभी भी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन 2008 में हम कर्नाटक में सत्ता में आए और 2018 में भी हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में राज्य में उभर करके आए हैं। आज हमने पिछले 5 सालों में 130 करोड़ भारतीयों के लिए समान मेहनत की है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया है और आज देश भर में ये दिख भी रहा है। और मेरा मानना है कि दक्षिण भारत में भी लोगों की विकास के प्रति चाहत उतनी ही है जितनी देश के दूसरे भाग में है। और जहां विकास के लिए आकांक्षा होगी, जाहिर सी बात है वहां भाजपा ही एकमात्र विकल्प होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1984 में जब हमारी केवल 2 सांसद जीत करके आए थे, तब उनमें से एक सांसद दक्षिण में आंध्र प्रदेश के थे, और आगामी चुनावों में अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर हम आश्वस्त हैं। कर्नाटक के लोग अब राज्य में चल रही अवसरवादी सरकार से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस और जेडीएस के पास शासन का जनादेश नहीं था, अब वे राज्य के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बीच में पोर्टफोलियो को लेकर लड़ाई चलती रहती है। वहां की सरकार किसानों को परेशान कर रही है। कर्नाटक के लोग, विशेषकर वहाँ के किसान, 2008 से लेकर के 2013 तक के हमारे कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आज भी याद करते हैं। तमिलनाडु में हमारा एक मजबूत संगठन बन चुका है, अब तो हमारा वहाँ बहुत ही सशक्त गठबंधन भी बन चुका है। लिहाजा तमिलनाडु में एनडीए को व्यापक सफलता मिलना इस बार तय है, और
इतिहास में सबसे बड़ी सफलता तमिलनाडु में 2019 के चुनाव में मिलने वाली है, ये मेरा पक्का विश्वास है। केरल के लोग विशेष रूप से, वहां के शिक्षित युवा एलडीएफ और यूडीएफ से तंग आ चुके हैं। वे भाजपा को एकमात्र विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो केरल की संस्कृति की रक्षा कर सकती है। वहां समाज के कई प्रबुद्ध लोग भाजपा से जुड़े हैं। हमें तेलंगाना में भी अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों में कांग्रेस और टीडीपी को लेकर बहुत गुस्सा है। वहां जितने भी लोग हैं, एक ने राज्य को विभाजित किया और दूसरे ने इसको तबाह किया। वहां तीनों जो खिलाड़ी हैं, एक प्रकार से विकास विकास के बारे में न सोचकर अपने अपने वंशों के विकास के बारे में सोच रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज वहां के नेता, एक जमाने में एनटीआर जिनको कोसते थे, जिस दल को कोसते थे, उनके साथ जीने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। जिस कांग्रेस ने तेलुगु गौरव का अपमान किया, उनके पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, तो कितनी मजबूरियां होगी। और इसलिए आप विश्वास कीजिए कि साउथ में भी लोगों को ईमानदारी चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, ईमानदार दल चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। और यही मुद्दे हैं जो आंध्र के अंदर पूरी ताकत से उभर करके आने वाले हैं। आंध्र की जनता ईमानदारी को पसंद करेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। अपने काम पर ध्यान दें और हम पूरे देश की तरह साउथ में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आइए अब हम झारग्राम चलते हैं। वाह, पश्चिम बंगाल का उत्साह तो बड़ा जोरों में दिखता है भाई। हाँ, पश्चिम बंगाल की ताकत तो देश देख रहा है और मैं पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप जिस प्रकार के संकटों को झेल करके काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस प्रकार से आप मुसीबतें झेल रहे हैं, देश के कोने कोने में जब इसका पता चलेगा तो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के सामने हमारा सर झुकेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ आप कितनी मेहनत करते हैं, मैं जानता हूँ कितनी तकलीफें झेलते हैं, मैं जानता हूं। और इसलिए पश्चिम बंगाल के हमारे कार्यकर्ता तो अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकार है। आइए बताइए झारग्राम क्या कह रहा है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मैं गौरव राज कुंडू झारग्राम जिला से गोपीवल्लभपुर बूथ का एक साधारण बूथ कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले भारतीय सेना द्वारा जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया, उसके लिए भारतीय सेना और आपको बहुत बधाई देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या 2019 में देश भर में महागठबंधन का कोई असर होता दिख रहा है? देखिए, एक तो ये महामिलावट है, ये महागठबंधन बोलना ही बंद कर दीजिए। देखिए, महामिलावट के प्रभाव के बारे में पूछने से पहले आइए समझते हैं कि इस महामिलावट को आगे क्यों किया जा रहा है। बैठिए गौरव, बैठिए आप। हकीकत तो यह है कि खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों के कंधे पर सवार होने के लिए रास्ते खोज रही है। छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे वो फिर से अपना जिंदगी ढूंढ रही हैं। ये मिलावट कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए नहीं है, आप समझ लीजिए। ये पूरी कोशिश, ये पूरा मिलावट जो चल रहा है, वो सिर्फ कांग्रेस को जीवित रखने के लिए है, कांग्रेस को अस्तित्व को बचाने के लिए है। कांग्रेस जो एक समय पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट
उसी का झंडा फहरता था, पार्लियामेंट में 400 सीटें हुआ करती थी, आज उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, सांस लेने की ताकत नहीं उनकी, इसलिए वे अन्य दल के नेताओं को साथ लाने के लिए जितना झुकना पड़े जो करना पड़े कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 98-99 में पंचमढ़ी में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत चर्चित सम्मेलन है, उनका कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में उनका घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा था कि हमें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही ठीक है, एकला चालो रे से लेकर हम साथ साथ हैं, यह कांग्रेस की मजबूरी की कहानी है। लेकिन देश की जनता समझदार है, यह महामिलावट तेल और पानी का मेल है। तेल और पानी के मेल से क्या होता है, इसके बाद न तो तेल किसी के काम आता है और न ही पानी किसी के काम आता है। यह महामिलावट का भी ऐसा ही है। साथ ही इस महामिलावट का हिस्सा कौन है, कौन लोग है उसमें, वो जो कभी एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते थे, आज वे कंधे से कंधा मिला करके साझा मंच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। याद करें, जरा याद करिए, सपा के लोगों ने मायावती जी के साथ कैसा व्यवहार किया था। याद करें कि वामपंथियों ने ममता दीदी के साथ कैसा व्यवहार किया था और ममता दीदी ने वामपंथियों के साथ कैसा व्यवहार किया था। याद करें कि यूडीएफ और एलडीएफ में कितनी लड़ाइयां चल रही है। याद करें कैसे कांग्रेस ने देवगौड़ा जी को अपमानित किया था। याद करें शरद राव पवार ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी। और आज भी जब भी मौका मिलेगा यह दल फिर वही दोहराने वाले हैं, बस मौके का इंतजार है। आज इन दलों को लगता है कि वे एक साथ आएंगे और लोग यह सब भूल जाएंगे। देश की जनता को मूर्ख मत मानिए, यह महामिलावट, आप जानते हैं कि मिलावटी चीज सेहत के लिए कितनी खराब होती है, और यह महामिलावट तो देश को आईसीयू में डाल सकती है। इस महामिलावट का टीवी स्क्रीन पर बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये महामिलावट अवसरवादी, वंशवादी और भ्रष्ट लोगों का एक मिलन समारंभ है। बचने के रास्ते सब खोज रहे हैं। लोग जानते हैं कि ऐसी मिलावट से न तो देश मजबूत रहता है और न ही देश में स्थिरता रहती है, जिसकी किसी भी देश की प्रगति में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। आइए मंगल दोई चलते हैं। कौन बात करना चाहेंगे? अहोम नमस्ते। कौन बात करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारा आसाम बसवासियों के तरफ से नमस्कार। नमस्कार। आज मेरा भारत गर्व है, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मेरा भारत का सम्मान ऊंचा किया है पाकिस्तान के ऊपर दबाव तैयार करके। धन्यवाद मोदी जी। मैं बीकी शाह आसाम के दरंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एक मंडल प्रेसिडेंट। मोदी जी आपसे सवाल है, आपको आप सबको पता है 2014 का जो इलेक्शन था सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग था, तब आप सबको पता है हम क्षेत्र में सबसे आगे चल रहे थे, जबकि हमको कहा जाता था फास्ट वर्डिंग हम था।
मोदी जी आने वाला इलेक्शन 2019 में आप इलेक्शन में सोशल मीडिया का भाग में कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक मीडिया है, इसमें हर व्यक्ति को, आप बैठिए बैठिए शाह बैठिए, हाँ, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है और उसका भी इतना ही महत्व है जितना किसी बड़े आदमी का। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। देश में जागरूकता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, संवेदनशीलता आई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार ने लोगों को कैसे मदद की है, चाहे वे ट्रेन हो, फिर चाहे वो वीजा का मामला हो। और मेरा मानना है कि 2019 में भी सोशल मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के वॉलेंटियर्स का अहम योगदान रहने वाला है, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। और मैं हमारे सोशल मीडिया के लाखों वॉलेंटियर्स से कहना चाहूँगा कि देश भर में हमारी सरकार की योजनाओं के करोड़ों लाभार्थी हैं, और क्या हम ऐसे करोड़ों लाभार्थियों की स्टोरी को दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर उसको ला सकते हैं क्या? जब टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात आती है तो बीजेपी हमेशा से इसमें आगे रही है और सोशल मीडिया कोई अपवाद नहीं है। और मैंने इसकी ताकत मैं बताता हूँ, अपने एक संगठन के बहुत ही अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन पे एक छोटा क्लिपिंग मुझे एक दिन दिखाया और वो क्लिपिंग देखकर मैं हैरान हो गया। 90 साल की कोई बूढ़ी माँ, अने 90 साल की उम्र, वो सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं के सारे नाम एक के बाद एक खुद बोल रही थी। यानी हो सकता है मैं दो चीजें भूल जाऊंगा, लेकिन वो माँ बराबर बोल रही थी। जब मैंने इसको मोबाइल फोन पे देखा तो मैं हैरान था, क्या ताकत है इसकी। हम सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 2009 में सोशल मीडिया से जुड़ा था, तब ये मुख्य धारा में भी नहीं था। हमें सोशल मीडिया का उपयोग कनेक्ट, कम्युनिकेट और करेक्ट करने के लिए करना चाहिए। यह भारत भर के लोगों के साथ जुड़ने, विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानने, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार मंच है। और अगर कोई झूठ फैला रहा है या गालियां दे रहा है तो उसे भी सबके सामने लेने का यह एक मंच भी है। जब सोशल मीडिया की बात आती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वे तीन चीजों पर जरूर ध्यान दें। पहला, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। दूसरा, ईमानदारी। और तीसरा, सटीकता। जितना हो सके सकारात्मक बातें शेयर करें, सकारात्मक खबरें शेयर करें। विपक्ष आपको नकारात्मकता की दिशा में बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उनके इस बहकावे में ना आए, हमेशा सकारात्मक बातें ही करें। आखिरकार हमारे पास सकारात्मक बातें करने के लिए बहुत कुछ है, अनगिनत बातें हैं। आप यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी खबर शेयर कर रहे हैं वो फेक न्यूज न हो। आजकल विपक्ष ने तो फेक न्यूज के इस्तेमाल के उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली है, और स्वाभाविक सी बात है, जिसका अपना खुद का कोई एजेंडा न हो वो फेक न्यूज को ही अपना एजेंडा बनाएगा। सोशल मीडिया पर हमेशा सावधानी बरतें, नकारात्मकता को फॉरवर्ड नहीं बल्कि डिलीट करें, और अपने मोबाइल से भी नहीं, अपने माइंड से भी डिलीट करें। आजकल दुश्मन देश भी फेक न्यूज फैलाते हैं, चाहे वो यूएन में हो या फिर कहीं और बैठे हो, कोई और मैदान मिल जाए
इसलिए चारों तरफ ये खेल चलते रहते हैं। हमें चौकन्ना रहना है, जब सकारात्मक रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने की बात आती है तो हम उस दिशा में हमेशा अग्रणी हैं, अग्रणी रहेंगे और ये हमारी जिम्मेवारी है। आइए मंगल दोईज के बाद हम चलते हैं महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर। नमस्ते। बताइए कौन पूछेगा। नमस्ते। हेलो। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मैं पोरबंदर मंडल से मंडल अध्यक्ष महेंद्र से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले नोटबंदी हुई तब मध्यम वर्ग को डराया गया, फिर जीएसटी आया तो ये कहकर मध्यम वर्ग को भड़काया गया कि इससे मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी मार पड़ी है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि न केवल मध्यम वर्ग को उत्साह बढ़ रहा है बल्कि इसमें नियो मिडिल क्लास के लोग भी बहुत उत्साह से जुड़ रहे हैं। इससे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बैठिए महेंद्र जी, बैठिए। देखिए, मिडिल क्लास को उकसाने और भड़काने की इनकी पुरानी आदत रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि नोटबंदी के कुछ ही महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जहां मिडिल क्लास समेत पूरी जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। इसी प्रकार जीएसटी लागू होने के कुछ महीने बाद गुजरात में चुनाव हुए, वहां भी हमारी सरकार बनी, व्यापारियों के गढ़ सूरत में हमें अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। निश्चित रूप से ये सफलताएं हमें मध्यम वर्ग और व्यापारियों के आशीर्वाद से मिली हैं। मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। सही मायने में यह वर्ग देश की रीढ़ है। मध्यम वर्ग देश के लिए बहुत कुछ करता है, बदले में उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी वो दशकों तक उपेक्षित रहा। परंतु हमने इस स्थिति को बदलने का निश्चय किया है। हमने वैसे कदम उठाए हैं जिससे मध्यम वर्ग को बल मिले, राहत मिले, नए पंख मिले। क्या किसी ने सोचा था कि 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा? वर्षों से यह मांग चली आ रही थी, लेकिन इसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। हम सब जानते हैं कि मध्यम वर्ग का एक बड़ा सपना होता है कि उसका अपना घर हो। पहले घर खरीदना सपना ही रह जाता था, लेकिन सरकार के प्रयासों से न केवल होम लोन की ब्याज दरों में काफी कमी आई है बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर लगने वाले टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। यही नहीं, एफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी को 8% से घटा करके सिर्फ 1% कर दिया जाएगा। इसी तरह विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन लोन हो या फिर स्कॉलरशिप, हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार से पहले मध्यम वर्ग को अगर किसी ने सबसे ज्यादा रुलाया है तो वो महंगाई दर रही है, लेकिन देखिए जो महंगाई दर कभी डबल डिजिट में पहुंच गई थी वो आज न सिर्फ काफ़ी कम है बल्कि नियंत्रण में है। हर घर का हर महीने का खर्च कम हुआ है। इसी प्रकार दवा की कीमतों को कम करने का हमने गंभीर प्रयास किया है। जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों को 50% से 90% तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं 1000 से अधिक दवाइयों को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाया गया है। इसके अलावा स्टेंट की कीमतें और घुटने इम्प्लांट्स पर होने वाले खर्च में भी 50% से 80% कमी आई है। इससे सीनियर सिटीजन्स को विशेष रूप से फायदा हो रहा है। उन्हें राहत देने के लिए हमने कई और भी इंतजाम किए हैं। सीनियर सिटीजन के प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत ब्याज को हमने 8% निश्चित कर दिया है।
जीएसटी से भी मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। 40 लाख के बिजनेस ट्रेडर को अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल गई है और 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में जुड़ना है। जाहिर है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर हमने मध्यम वर्ग से जुड़ी हर प्रकार की परेशानी को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। आइए चलिए, पहले हम पुणे चलते हैं, वहां भी बहुत लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते पुणे। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। पुणे से रानी भोसले, बूथ समिति प्रमुख और कॉरपोरेटर भी हूँ। सर, हम सबने आपको कुंभ के सफाई कर्मचारियों के पैरों को धोते हुए देखा और पूरा परिवार भावुक हो गया। सर, हमें ये दिक्कत है कि अपनी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो ये सब हम कैसे याद रखें, हम भूल जाते हैं। और कार्यकर्ता भी लोगों को ये कैसे समझाएं, जैसे पंत प्रधान किसान योजना है, आर्थिक निकट पे जो आरक्षण लागू हुआ है, 5 लाख टैक्स पर जो फ्री आपने किया है, और सबसे ऐतिहासिक अब जो निर्णय लिया है कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक। सर, ये अगर दूसरी सरकार होती तो 2 दशकों तक ये नहीं कर पाती थी, तो ये सब आप सर इतने जल्दी कैसे कर पाते हैं, बस यही पूछना है। सबसे पहले तो आपने कुंभ मेले को याद किया और कुंभ मेला इस बार, आप बैठिए रानी जी बैठिए, इस बार पूरी दुनिया में कुंभ मेले की एक चर्चा हो रही है स्वच्छता के संबंध में। तो मैं कुंभ में स्नान करने गया था तो मेरा मन कर गया कि जिन सफाई कामदारों ने कुंभ में 22 करोड़ लोग आए और स्वच्छता रखने के लिए कितनी मेहनत की होगी, और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया उन्होंने, और उसी भावना के तहत मेरा मन कर गया कि मैं भी उनके पैर धोकर के उनका सम्मान करूं। अगर आपके परिवार ने टीवी पर देखा तो आप भावुक हो गए, मेरे लिए भी ये बहुत ही भावुक पल था। लेकिन जब लोग, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति है, टिकना है, फलाना है, तो वो मुझे जानते नहीं है। मैं आज पहली बार आपको बताता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना गुजरात में तो मुख्यमंत्री निवास स्थान में मुझे रहने के लिए जाना था। अब हमारे देश में एक परंपरा है कि जाते हैं तो पूजा करते हैं, कलश रखते हैं, तो मुझे भी हमारे सरकार के लोगों ने कहा कि मोदी जी, मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले कोई पूजा, कोई कलश वगैरह कुछ व्यवस्था कैसे करना है, आपके परिवारजनों को बुलाने हैं, क्या करें। तो मैंने उनको सीधा सीधा कहा, देखो भाई, एक काम करो, सरकार में चौथे वर्ग में काम करने वाला कोई प्यून हो और दलित हो और उसकी बेटी हो, उस बेटी को बुलाओ और उसी के हाथ से आप प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के निवास स्थान का कलश रखिए और वही मेरे लिए उद्घाटन हो जाएगा। और मैंने किया, ये कोई मैंने पब्लिसिटी के लिए नहीं किया था। तो ये संस्कार, ये भावना, ये कोई सिर्फ मैंने इस बार पैर धोए इसलिए है नहीं, मेरे संस्कार में पड़ी हुई है। और हम भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए समाज के हर वर्ग के पूजा करना ही हम लोगों का दायित्व है। लेकिन आपने मुझे उस भावात्मक क्षण की ओर ले गई, इसके लिए मैं मेरे मन को भी छू गया। आपके परिवार ने इस बात को नोटिस किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, एक प्रकार से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके सवाल से मैं खुश हूं कि दुखी हूं। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि खुश इसलिए कि हमारी सरकार ने इतना काम किया कि आपके लिए उन्हें याद रखना आसान नहीं रहा। दुखी इसलिए कि
अगर आप ही योजनाओं को याद नहीं रखेंगे तो फिर हर घर अभियान कौन पहुंचाएगा। वैसे ये सवाल आपने महत्वपूर्ण पूछा है रानी जी, जब हमने इतना काम किया है तो उसे जनता तक सही तरीके से पहुंचाना भी हमारा दायित्व है। इसके लिए एक अच्छा उपाय ये हो सकता है कि हम अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को अलग अलग तरह से क्लब करें और उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं। सबसे पहले आप सभी योजनाओं का चार्ट बना लें, फिर उसे कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि योजनाओं की 1 से लेकर 100 तक की लिस्ट बना लें। एक और तरीका ये हो सकता है कि A to Z अल्फाबेट के अनुसार योजनाओं की सूची बना लें। जैसे ए से आयुष्मान भारत, बी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा करते हुए योजनाओं को अल्फाबेटिकल चार्ट बना सकते हैं ताकि उन्हें आप आसानी से बता सकें। यही नहीं, योजनाओं के नाम पर गीत या कविता भी आप रचना कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए किए गए काम, दलितों के लिए किए गए काम, आदिवासियों के लिए किए गए काम, बहनों के लिए किए गए काम, यानी समाज के भिन्न भिन्न तबके के लिए, गांव के लिए किया हुआ काम, शहर के लिए किया हुआ काम, मुझे लगता है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का ये सबसे बड़ा आसान और सहज तरीका होगा। अगर आपने इन तरीकों को आजमाया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही जब आप जनता जनार्दन के बीच पहुंचेंगे तो आप उनके परेशानियों को चुटकी में हल कर पाएंगे। आपने जो काम पिछले 2 महीनों में गिनाए हैं, ये भले ही आपको लग रहा है कि ये सब 2 महीनों में हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी चीज़ों की नींव पिछले 5 सालों में कोई समय ऐसा नहीं है कि उसको हमने आगे न बढ़ाया हो। 5 वर्षों में हमने जो मेहनत की है उसका तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ये ट्रेलर दर्शाता है कि हमारी मेहनत सॉलिड थी, हमारा परिश्रम सही दिशा में था और लोक कल्याण के लिए हमारी प्रतिबद्धता सर्वोपरि थी। 5 साल के भीतर जब हम ये सब कर पाए हैं तो आप सोचिए, जब हमें अगली बार सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम देशवासियों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात एक कविता की कुछ पंक्तियों से आज पूरी करना चाहता हूँ। उस कविता में आज आपको सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा समय लूंगा लेकिन सुनिए। बरसों से था घना अंधेरा, बरसों से था घना अंधेरा, अब जाके भोर दिखी है, उन्नति की हवा चली है, उम्मीदों की धूप खिली है, देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, बस यूं ही चलते रहना है, बस यूं ही चलते रहना है। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है, गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है, घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है, घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है। देश ने करवट बदली है, देश ने करवट बदली है, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है, प्रगति का दौर है, प्रगति का दौर है, ना रुकना है ना थकना है, अभी हुई है साफ सफाई, अभी हुई है साफ सफाई, अभी तो और गति बढ़ाना है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। तो आओ अब ये ठान लें, ये बात गांठ बांध लें, बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया, बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया, प्रगति से इस पहिए को अब रुकने नहीं देंगे,
बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। चलिए अब हम शिमला चलते हैं ठंडी हवाओं के बीच में। मुझे बताया है कि हमारे जयराम ठाकुर जी भी वहां मौजूद है। हिमाचल वासियों नमस्कार, बताइए हिमाचल कौन बात करेगा? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले मेरी और शिमला शहर की पूरी जनता की ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर, मैं परीक्षित शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष, शिमला शहरी से। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपको क्या लगता है कि आपकी और आपकी सरकार की क्या लेगेसी होनी चाहिए? धन्यवाद। देखिए, हिमाचल तो एक प्रकार से मेरा घर बन गया था, और हिमाचल वासियों के मिलता हूँ तो सारी पुरानी यादें उमड़ पड़ती हैं। और आपने जो सवाल पूछा, वो सवाल भी तो दिल को छूने वाला है। लेकिन आप हिमाचल वासी मुझे भली भांति जानते हैं, मैं आपके बीच में कई वर्षों तक रहा हूँ, आप मुझे भली भांति जानते हैं, मेरे जीवन को जानते हैं। देखिए, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी कोई निजी विरासत या लीगेसी हो। इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में विकास का जो दीपक जला है, वही मेरी लीगेसी है। हमने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए बीच से बाजार तक जो सबसे अधिक प्रयास किए हैं, यही मेरी लीगेसी है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ सरकार को न केवल चलाया बल्कि तेजी से विकास कार्य किए, यही हमारी लेगेसी है। गांव, गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी के उत्थान को हमने सर्वोपरि रखा, यही हम सबकी लेगेसी है। 70 साल बाद 18,000 गांव रोशन हुए, इससे बड़ी लेगेसी क्या चाहिए? करोड़ों महिलाओं को धुएं की भरी जिंदगी से मुक्त मिल जाए, उस माँ के चेहरे पर खुशी नजर आए, इससे बड़ी लीगेसी क्या हो सकती है? आजादी के बाद पहली बार देश पूज्य महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपने को साकार कर रहा है। कितनी बड़ी लीगेसी आज हमारे देश की बन रही है। सेना को हमने न केवल सशक्त बनाया बल्कि देश की रक्षा के लिए उन्हें खुली छूट दी, इससे बड़ी लीगेसी क्या होती है? भारत को मजबूत बनाकर विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करने का जो पुरुषार्थ किया, यही मेरी लीगेसी है। आज भी नजर दौड़ाएं तो दिखता है कि स्कूल से लेकर स्टेडियम तक, एयरपोर्ट से लेकर अवार्ड तक, सब कुछ एक ही परिवार के नाम पर रखे गए। हम ऐसी लीगेसी की कल्पना नहीं करते, बल्कि हम चाहते हैं कि ये देश उन संतों, महापुरुषों, वीरों, जवानों, किसानों और श्रमिकों को याद रखे, उनकी लीगेसी को आगे ले जाए, जिनका त्याग और परिश्रम इस देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा में रचा बसा है। आइए हम हरियाणा चलते हैं, रेवाड़ी चलते हैं। नमस्ते हरियाणा, नमस्ते रेवाड़ी। हमारे मुख्यमंत्री जी भी दिखाई दे रहे हैं। कौन पूछेगा? हाँ बताइए। आदरणीय मोदी जी, मेरे पूरे रेवाड़ी वासियों की तरफ से मैं सादर नमस्कार करती हूँ सर। नमस्ते सर, मैं मधु यादव, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने अब तक के जीवन में कई दशक देखे और कई सरकारें भी देखी, लेकिन आज जो पूरे भारत में विश्वास है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। सर, वो कभी देखने को नहीं मिला। इसमें आपको क्या लगता है सर, ये सब कैसे हो रहा है? धन्यवाद सर।
रेवाड़ी की धरती हो, वीरों की धरती, यहाँ की हर माँ वीर माँ होती है, यहाँ की हर माँ की कोख से वीर पैदा होते हैं। और इसलिए जब रेवाड़ी से बैठिए मधु जी बैठिए आप, और रेवाड़ी से जब कॉन्फिडेंस की बात निकलती है तो मुझे लगता है वो रेवाड़ी के स्वभाव का इच्छा है। देखिए जब मन में इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब सरकार के लिए जन जन तक का महत्व हो, जन सहभागिता को प्राथमिकता मिलती हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है कि पहले भी सरकारें होती थी, कुछ न कुछ योजनाएं होती थी, लेकिन देश में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देखने को मिलता था। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब सरकार का परिश्रम और 125 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ मिलता है तब देश का कॉन्फिडेंस का पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। आप देखिए लोग वही है, सिस्टम वही है, अफसर वही है, दफ्तर वही है, लेकिन आज देश विकास के पथ पर कई गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की एक सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने निकल करके आई है। जब हमें खुद पर कॉन्फिडेंस है तो दुनिया भी भारत को लेकर कॉन्फिडेंट हो रही है। पहले भारत का चित्रण एक गरीब देश के रूप में किया जाता था, अब भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। पहले भारत को सांप सपेरे का देश बताया जाता था, आज भारत साइंस, स्टार्टअप और सैटेलाइट के देश के रूप में जाना जाता है। पहले भारत का चित्रण देश की सड़कों पर फैले कचरे को दिखाने के लिए किया जाता था, आज भारत का चित्रण देश में स्वच्छता पर हो रही तरक्की को दिखाने के लिए किया जाता है। पहले भारत को अंधेरे के लिए जाना जाता था, अब भारत एलईडी रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। पहले फिल्में बनती थी कि भारत में कैसे अटैक्स हुए, अब फिल्में दिखाती हैं कि भारत ने कैसे उन अटैक्स का मुंहतोड़ जवाब दिया। पहले दुनिया भर में सिर्फ बैटमैन जैसे हीरो हुआ करते थे, अब दुनिया भर के लिए बाहुबली भी एक हीरो है। योग हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया को दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है। दोस्तों आप सबसे मिलकर, आप सबसे बात करके, आप सबका उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका उत्साह, आपकी ऊर्जा मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबको देखकर मुझे भी वो समय आ जाता है जब भी आप जैसा ही एक सामान्य कार्यकर्ता हुआ करता था। आप आज सब जो मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे वो हजारों स्थानों से हो या फिर अपने घर अपने मोबाइल से जुड़े हो, आपके लिए नमो ऐप पर एक खास व्यवस्था है। आप नमो ऐप पर जाइए और आपकी सेल्फी मेरे साथ अपलोड करिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह से इस महासंवाद को और यादगार बनाते हैं। मैं फिर एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह का, उनकी पूरी टीम का, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का, प्रदेश की सभी टीमों का और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं का आज हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे करोड़ों की तादाद में हजारों स्थान पर एक साथ आप सबके साथ संवाद करने का अवसर मिला। और पहले भी मैंने कहा था कि देश विकास की यात्रा में रुकेगा नहीं, पहले से गति बढ़ाएगा। हमारा मकसद यही है कि समृद्धि की ओर देश को ले जाना है, उन्नति की ओर देश को ले जाना है। ये सारे प्रयास देश के लिए है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए है। और मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, दौड़ेंगे, बहुत दौड़ेंगे, रुकना नहीं है। आइए फिर एक बार मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसी संकल्प को लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।